केवल चुनावी स्टंट हैं और लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। ये लोग 10 लाख और 19 लाख की बात कर रहे हैं, ये लोग 15 सालों में क्या किए? अब नींद खुली है? अब तो नीतीश जी को कोई जनता सुन नहीं रहा है, तब हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा करेंगे। माननीय योगी जी जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं साथ जाकर, तब तो लोग अच्छे लगते हैं, और दूसरे के साथ जब गठबंधन होता है तो पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की बात करने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। उपेंद्र कुशवाहा लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं और आज उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली को लेकर बड़ा हमला बोला है। हमारे साथ बात करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी कि रालोसपा के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा जी हैं। पीएम मोदी का रैली होना है, कितनी उम्मीद है, बिहार को क्या मिलने जा रहा है? कल तो 19 लाख रोजगार मिलने वाला है। देखिए, ये जुमलों की सरकार है और ये लोग झूठा पे झूठा दावा कर रहे हैं। बिहार की जनता 15 साल RJD और 15 साल NDA का शासन देख चुकी है। अब आप देखिए कि ये लोग 10 लाख और 19 लाख की बात कर रहे हैं, ये लोग 15 सालों में क्या किए? अब नींद खुली है? ये केवल चुनावी स्टंट हैं और लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि अब तो नीतीश जी को कोई जनता सुन नहीं रहा है, तब हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा करेंगे। ये सब जनता नकार चुकी है और 10 तारीख को ये सरकार जाने वाली है। योगी आदित्यनाथ बिहार आते हैं और OBC को लेकर बहुत कुछ बोलते हैं, OBC की पार्टी जो है वो आपके साथ गठबंधन में है, क्या कहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, योगी जी, माननीय योगी जी जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं साथ जाकर, तब तो लोग अच्छे लगते हैं, और दूसरे के साथ जब गठबंधन होता है तो पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की बात करने लगते हैं। हम लोग देश को बेचने का काम नहीं करते हैं। आप देखे होंगे कि BJP में एक मंत्री है, बीजा मंत्री है, जब भी बात होता है तो सीधे बीजा ही देते हैं पाकिस्तान का। तो ये सब जनता सब बखूबी समझ रही है, और माननीय बेसी जी अपने समाज के हक हकों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो ये सब जनता भी समझ रही है, और बिहार के अल्पसंख्यक भाई लोग बेखूबी समझ रहे हैं और पूरा मन बना लिए कि ओबीसी जी के साथ इस बार साथ देंगे। उपेंद्र कुशवाहा हर दिन चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है बिहार में? देखिए, अब आप लोग के माध्यम से भी आ रहा है और हम लोग भी सभा कर रहे हैं, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी इस बार आ रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ, और 10 तारीख को पता सब कुछ चल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि बिहार की 12 करोड़ जनता समझ चुकी है कि आने वाले बिहार के भविष्य उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। स्वच्छ और ईमानदार और बेदाग चेहरे हैं बिहार के लिए, जिन्होंने शिक्षा, अस्पताल, सिंचाई, दवाई, कमाई मुद्दों पर काम करें। आप बताइए कि अगर बिहार में जब कोई हॉस्पिटल खुलेगा या कोई स्कूल खुलेगा तो क्या किसी एक जाति के लिए खुलेगा? नहीं, वो ठीक है, लेकिन BJP हो, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे RJD हो, सब रोजगार की बातें कर रहे हैं। कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 19 लाख दे रहा है, आप कितना दे रहे हैं? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी किनका कहना है कि जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा की तरह योजना लाएंगे बिहार सरकार के द्वारा, और गाँवों में, पंचायतों में, जिलों में इंडस्ट्रीज खोलेंगे, छोटे छोटे लोग खोलेंगे। RALOSPA के प्रवक्ता धीरेंद्र कुशवाहा, फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।